Good morning, dear students. My name is V.K. Prasad. My qualification, MSc Physics, Advanced Electronics Specialist, and B.Ed. दोस्तों, मैं डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए, उन बच्चों के लिए जो क्लास ट्वेल्थ में अपीयर हुए हैं, इंट्रोडक्शन है एक छोटा सा क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड के, कि क्या क्या यूनिट्स हैं, कितना परसेंट सीबीएसई कंडक्ट कराती है कोर्स को, क्या उसके पार्ट थियरी होती है, क्या न्यूमेरिकल्स होता है। तो मेरा एक छोटा सा कोशिश इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचना और कोशिश किया है आपको समझाने की। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के सिलेबस और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, और क्या क्या टॉपिक है उसको अरेंज करना सीखेंगे। जब हम उसको अरेंज करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, क्या पोर्शन न्यूमेरिकल्स का है और क्या पोर्शन थियरी की है। सो अगर फर्स्ट बुक की हम बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो पार्ट फर्स्ट जो एनसीईआरटी का है, उस पार्ट फर्स्ट को एक नाम दी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? स्पेशली स्टडी अबाउट द चार्ज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट चार्ज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो चार्ज की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमने अलग अलग यूनिट तैयार किया। तो अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज कैसा हो, रेस्ट में, तो अगर चार्ज का पोजीशन रेस्ट में है तो उसके लिए हमने एक यूनिट तैयार किया, और इस यूनिट को बोलेंगे यूनिट फर्स्ट, विच इज नेम्ड बाय, आई रिपीट, यूनिट फर्स्ट नेम्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रखें, यहां हम चार्ज के बिहेवियर की बात किया हमने, तो यहां चार्ज रेस्ट में भी होगा, मूवमेंट में भी होगा, एक्सेलरेशन में भी होगा, डीएक्सेलरेशन में भी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी होगा और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा, ये सारे बिहेवियर्स हैं इसके। अब ये अलग अलग स्टेट्स को समझने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम यूनिट फर्स्ट में आए। अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक बिहेवियर को समझेंगे कि चार्ज का बिहेवियर कैसा हो, चार्ज किस तरह के स्टेट में हो। तो चार्ज का स्टेट जो होगा वो रेस्ट, तो रेस्ट पोजीशन में समझने के लिए हमने यूनिट तैयार किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से देखेंगे बेटा इसमें, तो इलेक्ट्रो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो अगर हम किसी ऐसे ब्रांच चार्ज के उस बिहेवियर में स्टडी करेंगे जब चार्ज किस स्टेट में हो, किस अवस्था में हो, किस पोजीशन में हो, तो रेस्ट पोजीशन में हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आप नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहला टॉपिक, अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना है तो कौन कौन से टॉपिक को समझनी होगी, तो टॉपिक फर्स्ट, अगर मैं टॉपिक फर्स्ट की बात करूं तो टॉपिक फर्स्ट में हमें समझनी होगी पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला टॉपिक होगा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, हमें यह समझ में आना चाहिए। इसमें हम समझेंगे कि चार्ज किस तरह का क्या होता है बिहेवियर, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या क्रिएट कर सकता है, किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें हमें, किस तरीके से चार्ज फॉर्म करते हैं, एक बॉडी को हम किस तरीके से एक चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी बना सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी बना सकते हैं। टॉपिक सेकेंड की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक सेकेंड में चार्जेस के दूसरे बिहेवियर को समझने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम क्या सीखेंगे कि दो चार्जेस के, स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में समझेंगे। तीसरा हमारे पास टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक
फील्ड के बारे में कि एक स्टैटिक चार्ज, एक रेस्ट में जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है। चौथा हम इसमें समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझेंगे। अगला टॉपिक हम इसमें समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, राइट। अगला टॉपिक समझेंगे इसमें कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, इसके बारे में समझेंगे तो हमारा यूनिट फर्स्ट तैयार हो जाएगा। और इसके साथ में हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन देख सकते हैं, मेन के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं और ये सारी चीजें इसमें स्टडी करेंगे। तो ये होगा यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। तो इतनी चीजें आपको इसमें आनी चाहिए अगर यूनिट फर्स्ट हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।